73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर दुर्ग महापौर ने भी निगम में फहराया तिरंगा साथी। इस अवसर पर निगम अधिकारियों व कर्मचारियों को सम्मानित भी किया। दुर्ग नगर निगम महापौर धीरज बाकलीवाल द्वारा 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर नगर पालिक निगम दुर्ग मुख्यालय में राष्ट्रीय ध्वजारोहण कर शहर के नागरिकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि भारत का संविधान हमें अधिकार के साथ कर्तव्य भी विरासत में दिया है। इस मूल भावनाओं का पालन हम करें और नागरिक सुविधाओं के साथ एक विकसित संपन्न समाज का निर्माण करें। इस दिशा में मिलकर हम काम करेंगे। नगर पालिक निगम दुर्ग के ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल शहर विधायक अरुण वोरा ने अपने संबोधन में कहा कि बहुत ही हर्ष और सौभाग्य की बात है कि 73वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर आज हम नगर निगम मुख्यालय में निगम अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच झंडारोहण कर पर्व को मना रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप हमर दुर्ग हमर घर की परिकल्पना को महापौर और सभी MIC मेंबर पार्षद गणों तथा आप सभी के सहयोग से पूरा करेंगे। महत्वपूर्ण स्थान बनाया है गणतंत्र दिवस की 73वीं वर्षगांठ 26 जनवरी 1950 में हमारे गणतंत्र की स्थापना हुई थी और उसमें इस बात को कहा गया था कि सबको समान रूप से देखा जाएगा, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं और सर्वधर्म संभाव की भावना पर हम लोग काम करेंगे। महात्मा गांधी के नेतृत्व में हम लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ और देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने और उन्होंने देश के विकास की जो आधारशिला रखी उसके आधार पर ही सभी क्षेत्रों में समान रूप से विकास हुए, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में समान रूप से इन बीते वर्षों में विकास हुआ है। और बहुत खुशी की बात है कि 2 साल से नगर निगम हमारे कांग्रेस की परिषद है और 3 साल से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। सरकार बनने के बाद जितने भी कार्य हुए हैं उस कार्य की केवल हम लोग 15 साल तक कल्पना किया करते थे। आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं, आप सब ने संघर्ष किया है हम लोगों के साथ, हम लोग विपक्ष में भी थे। जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, शहीद भगत सिंह, सरोजनी नायडू, रानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नेतृत्व एवं संविधान निर्माता श्री भीमराव अंबेडकर के अमूल्य योगदान एवं उनके त्याग, तपस्या और बलिदान के कारण ही आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले पा रहे हैं। बहुत बधाई देता हूँ और बहुत संक्षिप्त रूप से ही बोलना चाहूँगा मैं कि जिस प्रकार से नगर निगम काम कर रही है सभी क्षेत्रों में, माननीय विधायक हैं, सभी क्षेत्रों में हम एक नए आयाम हम गढ़ें, इसी अपेक्षा के साथ में और इसी उम्मीद के साथ में मैं पुनः आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।